हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी 2% डाउन है। जी, मार्केट में अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोग उत्सुक हो रहे थे उनके लिए पूरा सही माहौल है। जी, अगर निफ्टी का वीकली कैंडल पैटर्न किसी ने भी देखा होगा तो उसको साफ साफ पता है कि ये मेजर लेवल्स थे जिनको तोड़ने पर मार्केट यहाँ से जा सकता है। और मेरे हिसाब से अभी जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन 16-15 हजार 500, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो लगभग 14,000 15,000 या 14,800 तक भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। ओके, मतलब अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, हो सकता है मार्केट मंडे के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिले। प्रॉफिट बुकिंग मतलब जो शॉर्ट साइड में है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर उभरे तो 16,200 तक फिर से वापस जाए और फिर से तोड़ेगा, तो ऐसा माहौल देखने के लिए मिल सकता है। सेंटिमेंट ग्लोबली बहुत खराब है, एक साइड में युद्ध चल रहा है, दूसरे साइड में इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए जा रहे हैं, तीसरे साइड में कॉमोडिटीज के प्राइस बढ़े थे लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद कॉमोडिटी प्राइस में भी थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिला। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिनके पास पैसा है। जो लोगों ने ओवर पी स्टॉक्स में पैसा भरा था उनके पास तो कैश नहीं है, लेकिन जो लोग अपने पैसों के साथ धैर्य के साथ वेट कर रहे थे उनके लिए माहौल बहुत ही अच्छा है स्टॉक खरीदने के लिए। जी सर, सही कहा आपने, जिन्होंने हाई पी पे खरीदा था वो भी शायद थोड़ा रिग्रेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी ये हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपके पास 25% कैश रिजर्व हमेशा रहना चाहिए, अच्छे मौके पे आप उसको इन्वेस्ट कर सके। तो अभी वो मौका हमें आता हुआ दिख रहा है, तो आज हम लोग सर कुछ 2-4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिल सके। जी, तो पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा डालमिया भारत सीमेंट। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिला है इसमें। अगर चार्ट देखा जाए तो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है स्टॉक, लेकिन अभी लग रहा है एक मेजर सपोर्ट पे आके रुका है। हो सकता है ये सपोर्ट भी तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस का बाय करने का अच्छा मौका मिला है। यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करता है थोड़ा भी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। प्राइस का दूसरा, अगर यहाँ पे आप खरीदते हैं, अगर प्राइस गिरता है तो नीचे के साइड में फिर से 1220 के पास पास आपको फिर से एक मौका मिलेगा खरीदारी करने के लिए। अगर मौका मिलेगा तो आपको फिर से खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर रिकवर कर जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। सबसे हाई में ये स्टॉक तकरीबन 2545 तक गया था, और जितना एक्सपर्ट का माना जाए इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 2000 के पास, तो इसी टारगेट के हिसाब से आप ये स्टॉक बाय करके होल्ड कर सकते। जी सर, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि अभी 1400 के करीब हम बाय कर सकते हैं एंड हमारा जो टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारा 2200 का रहेगा और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा 2500 के करीब का रह सकता है। उसी तरह अगर प्राइस गिरता है तो आपको फिर से एक 1200 के पास 1100 के पास खरीदने का मौका मिल सकता है। जी, तो ये अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, ज्यादा डेट नहीं है इस कंपनी में, तो एवरी बाय ऑन डिप का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएं और जब भी हमें मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है आप छोटा छोटा अमाउंट इन स्टॉक्स में एक्युमुलेट कर सकते हैं। सही बात। नेक्स्ट मैडम, आपके पास भी कुछ स्टॉक्स हैं, आप बताना चाहेंगे कोई स्टॉक? सर, इसका अगर आप थोड़ा सा डेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो एंड आरओसी अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाते तो वो थोड़ा उनके लिए एनालाइज करना इजी हो जाता। जरूर बता पाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी कमोडिटी साइकिल चल रहा है, मतलब मेटल्स का 4-5 सालों में बहुत खराब हालत था, अभी बहुत अच्छा हालत है, तो ये कमोडिटी साइकिल चेंज होगा। अभी जैसे मेटल्स में जो कंपनियां बहुत प्रॉफिट कर रही थी अभी आगे नहीं कर पाएंगे, उसी तरह सीमेंट में आने वाले लास्ट 4-5 सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला था, इनका आरओई आरओसी बहुत गिरा हुआ था, लेकिन आने वाले समय में 1-2 सालों में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो करेंट ईयर का हम अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो इसका प्रेडिक्शन सही नहीं बैठेगा, इसीलिए उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए प्रेडिक्शन के हिसाब से एक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड पीई के हिसाब से हम अगर जाते हैं तो
से कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, देने के लिए मिले। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है तो करंट ईयर पे ना जाए। ओके मैडम जी जी जी, थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। सर मेरा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया रहेगा मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का, MFSL। MFSL जी, वेरी गुड मैडम। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ही अच्छा कर रही है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल्स में ऑलरेडी देख चुका हूँ, फ्री कैश फ्लो लाजवाब है। इनका मार्केट कैप जितना नहीं है उससे बड़ा इनका फ्री कैश फ्लो लास्ट 10 ईयर में है, तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन में अभी ट्रेड हो रहा है। अगर प्राइस देखा जाए, अगर वीकली में देखूं चार्ट को, तो जनरली इन्वेस्टमेंट आइडिया में तो चार्ट नहीं देखना चाहिए, फिर भी हम चार्ट देखे एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना नीचे जा सकता है। आप अगर यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो तो फिर भी आपको और कहाँ पे मौका मिल सकता है। तो जनरली ये इसका जो रेंज है उसके अंदर अप एंड डाउन हो रहा है ये, तो लगभग मुझे नहीं लगता आपको प्राइस 630 से नीचे देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है प्राइस का तो वैसा नहीं है, देयर इज नो न्यू हाई, देयर इज नो न्यू लो, बट फिर भी मेरा जो है 635 तक ही ये ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा और आप यहाँ पे खरीदना सही रहेगा। ये लेवल्स में भी आप ऐड कर सकते हो स्टॉक, मैडम के साथ में हूँ। और ये इसका टारगेट क्या बताएगी मैडम आप? सर मेरे ख्याल से इसका टारगेट 1100 तक का हम रख सकते हैं, हमारे फर्स्ट टारगेट से 950 का हम लेके चलते हैं और सेकंड टारगेट हमारा 1200 तक का रहेगा और मुझे लग रहा है कि ये टारगेट्स काफी जल्दी अचीव होने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंस इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी के पास। फंडामेंटल्स मैंने पढ़ा है इसका, अगर आपको ROE ROCE देखेंगे तो उतना हाई नहीं है। इवन इफ आप अगर ग्रोथ इसका देखेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज वो भी 1-1.5% है, लेकिन इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 1-2% में वो जितना कैश जनरेट कर रहे हैं जनरल बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बिजनेस। इतना मार्केट गिरने के बाद भी 90 PE के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, तो लोग इसको बेचने के लिए नाराज है। यहाँ पे आप बाय कीजिए, अगर नीचे भी जाता है तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ये शेयर आपको 950 के टारगेट के साथ तो मैं सहमत हूँ, हो सकता है उसको भी ब्रेकआउट देके मैम का जो टारगेट है 1100-1200 का टारगेट भी आपको मिल पाए। जी सर, और सर जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा कंपनी पास कैश रिजर्व है, तो अभी जो सर रेट हाइक्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो इन सब सिचुएशन में जो कंपनी डेट फ्री है या फिर जिनका बहुत कम डेट है, जिनके पास रिजर्व कैश फ्लो काफी ज्यादा है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है ग्रो करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये कंपनी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। सही बात, ये पूरा मैं इसके साथ सहमत हूँ। और आपको अगर डेट फ्री कंपनी आप चुनते हैं इस टाइम पे, तो जनरली आपको उतना गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंपनी मैंने चूज किया है अजंता फार्मा। ओके, फार्मा सेक्टर से। हाँ, फार्मा सेक्टर में भी ये जो इकोनॉमी साइकिल है उसमें इनको बहुत ही फायदा मिला है। 2019 के बाद में इनका अर्निंग बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है। अभी भी लगभग वार का सिचुएशन है और दूसरे कंट्रीज में अभी भी कोरोना का भय है, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर गिरावट मिलता है तो फार्मा में भी पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट हम देख रहे हैं क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वीकली अगर देखा जाए मुझे जो मेजर सपोर्ट स्टॉक का लग रहा है, ऑलरेडी मेजर सपोर्ट के पास ही ये स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं बाय रेकमेंड करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बाय रेकमेंड करूंगा। और आपका जो टारगेट रहेगा 2080 का, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे, तो बड़ा पोजीशन ना ले। अगर नीचे जाता है, नीचे के साइड में 200 मूविंग एवरेज या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा गिरावट 1500 के लगभग मिल सकता है, यहाँ से 150 रुपए नीचे, तो वहां पर भी और आप ऐड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ना लो, खरीद से जाए, नीचे जाने पर और भी खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कैश फ्लो बनाया है लास्ट 2-3 सालों में, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो। जी सर, जैसा
जैसा आपने बोला सर कि अभी सारा अमाउंट एक साथ ना डाले, तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि व्यूअर्स जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले 3% अपने पोर्टफोलियो का 3% स्टॉक में लगाए, फिर अगर वो बढ़ता है तो फिर उसमें और 2% लगाए, तो 5% तक का टोटल एलोकेशन हम लोग एक स्टॉक में करते हैं ट्रेडिंग के पर्पज से। लेकिन जब हम लोग इन्वेस्टमेंट आइडिया में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि पहला पहले आप अपने पोर्टफोलियो का 2% लगाएं, फिर अगर कुछ गिरावट आता है तो फिर आप और 1% ऐड करें। अगर उसमें कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई एक ब्रेकआउट आने वाला है या कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है या रिजल्ट कंपनी का काफी अच्छा है, तो ऐसे करके आप फिर से 1% लगाएं। तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आप एलोकेशन बढ़ाएं, एक साथ अपना सारा अमाउंट एक बार में ना डाल दें किसी भी स्टॉक में। और खास करके अगर आप इन्वेस्टमेंट आइडिया की बात करते तो इसमें तो आपको मतलब 2 से 3% से ज्यादा एक बार में डालना ही नहीं है किसी भी स्टॉक में। राइट अब मार्केट जब गिरता है सबसे सबसे बड़ा जो अच्छा एसेट होता है वो कैश, कैश इज किंग इन नेगेटिव इकोनॉमी ये कहते हैं लोग। तो चलिए चौथे स्टॉक पे हम चलते हैं। मैडम आपका चौथा स्टॉक बताइए कौन सा रहेगा। सर मेरा चौथा जो लास्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा आज गोदरेज आर्गोबिटा का।